विधायक सुशांत शुक्ला ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकास के नए कीर्तिमान गढ़ रहा है। देश के प्रत्येक कोने तक विकास की धारा बह रही है। बिलासपुर जिले के बेलतरा विधानसभा क्षेत्र के बहतराई में आयोजित विकसित भारत कार्यक्रम में मीडिया से बातचीत में श्री शुक्ला ने कहा कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। विधायक ने कहा कि प्रदेश में अब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सुशासन के लिए एक नए दौर का प्रारंभ हुआ है, जिसमें 2 माह के अल्प समय में ही गांव, गरीब, किसान सहित सभी वर्गों के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। संकल्प यात्रा के दूसरे चरण में जब माननीय मोदी जी, माननीय विष्णुदेव साय जी, मोदी जी की गारंटी, जैसा मोदी जी ने खुद कहा, गारंटी पूर्ण होने की गारंटी, और विष्णुदेव साय जी का नाम सुशासन के सूर्योदय के रूप में जाना जाता हो, वह छत्तीसगढ़ विकसित भारत के संकल्प यात्रा के संकल्प में अपने आप को विकसित करके सहयोगी बनेगा, इसी मंगल कामना के साथ आज ये आयोजन हुआ है। विकसित भारत विकसित छत्तीसगढ़ के तहत माननीय प्रधानमंत्री जी ने लगभग 3400 करोड़ से ज़्यादा की विकास कार्यों का सौगात छत्तीसगढ़ को दिया है, और निश्चित रूप से हमें छत्तीसगढ़ वासियों के लिए सौभाग्य का विषय है कि माननीय प्रधानमंत्री जी पिछले 10 वर्षों से छत्तीसगढ़ के अनेक परियोजनाओं के लिए, मैं आंगनबाड़ी गए तो आंगनबाड़ी के दीदी मन बताई नेतृत्व की मतलब योजना निकले है, हर बारे में तो मैं फार्म भरे, तो फार्म भरे के बाद मोला पहला किस्त में 3000 मिली, जो दूसरा किस्त में 2000 मिली, तो 5000 के मैं अपन और अपन लड़का के खर्च उठाए, हमारे गांव के बहुत सदस्य मन भी फायदा उठाई से देखा ली। मैं नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ला मातृत्व नेतृत्व के योजना के कारण धन्यवाद देना चाह रहा हूँ। मोला मैडम है बताई से कि मातृत्व वंदना योजना के बारे में, तो मैं फॉर्म भरवाए हाँ, एखर से प्रधानमंत्री जो योजना निकाले हैं ओखर से मोला बहुत लाभ मिली से, और मोला 5000 भी किस्त मिली से, पहला किस्त 3000 मिली से, ओला मैं अपन स्वास्थ्य में यूज किए हाँ। ओखर बाद में फिर जब मोर बेटी हुई से तो तीसरा टीका लगे के बाद में मोर बेटी पर भी 2 किस्त आई से, ओखर लिए मैं प्रधानमंत्री ला धन्यवाद दे। नरेंद्र मोदी जी द्वारा आज छत्तीसगढ़ में 34,300 करोड़ रुपए का जो सौगात दिए हैं, इसके लिए मैं छत्तीसगढ़ बेलतरा विधानसभा क्षेत्र की ओर से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, माननीय मोदी जी को सादर प्रणाम करता हूं। अवसर पर केंद्र शासन की विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को लाभार्थी कार्ड का वितरण किया गया। पीएम आवास योजना के 23 हितग्राहियों को स्वीकृति पत्र और चेक वितरित किए गए।